हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू माई इंग्लिश क्लास होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट ओके सो फर्स्ट वन इज बाय बाय वी यूज एज प्रपोजिशन वेन वी हैव टू से बिफोर सम टाइम जब हमने क्या कहना होता है किसी टाइम से पहले कुछ होने वाला हो तो ओके फॉर एग्जाम्पल वी विल रीच आर डेस्टिनेशन बाई एट पी एम हम अपने डेस्टिनेशन को रीच कर देंगे आठ बजे से पहले ओके नेक्स्ट इज बाय द टाइम यू रीच द सिनेमा हॉल आई एल हैव बॉट द टिकट्स जब तक आप सिनेमा हॉल पहुँचेंगे तब तक मैंने टिकट खरीद लिए होंगे ओके, okay? जब तक आप पहुंचेंगे मीन्स बिफोर सम टाइम उस टाइम से पहले मैं वो काम कर चुका हूँ मैं टिकट्स ले चुका हूँ ओके नेक्स्ट इज फ्रॉम फ्रॉम एंड टू ये दोनों हम टाइम लिमिट को शो करने के लिए यूज करते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल द काप विल वर्क फ्रॉम सेप्टंबर टू नवम्बर जो का पेंटर्स हैं वो काम करेंगे कब से कब तक टाइम लिमिट है ना सितंबर टू नवंबर ओके टू एंड फ्रॉम क्लियर नेक्स्ट इज टू टू एज आई डिस्कस्ड दैट इट इज़ यूज टू शो टाइम लिमिट क्लियर सो गीता विल बी हियर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे गीता यहाँ पे होगी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे मंडे से लेके सेटरडे तक टाइम लिमिट है ना कहां से लेके कहाँ तक ठीक है सो नेक्स्ट इज टिल वी यूज टिल टू से अप टू टिल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमने क्या बोलना हो कि इस टाइम तक ओके फॉर एग्जाम्पल शी हैज टू वर्क टिल द नाइट उसे रात तक काम करना है ठीक है शी हैज टू वर्क नाइट रात तक उसको काम करना है क्लियर नेक्स्ट इज आंटिल आंटिल मीन्स इस टाइम से पहले नॉट बिफोर मतलब एग्जैक्ट बोल दिया उसने कि यहां तक इस टाइम तक इससे पहले नहीं ठीक है नॉट बिफोर इससे पहले नहीं वी यूज आंटिल टू से नॉट बिफोर उस टाइम से पहले नहीं जो भी कोई डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उस टाइम से पहले नहीं फॉर एग्जाम्पल ही सैट इन द कोथयार्ड अंटिल इट गॉट डार्क वह आंगन में बैठ गया जब तक अंधेरा ओके okay? जब तक अंधेरा हो क्लियर है नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ड्यूरिंग वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमने इन कोर्स ऑफ मींस ड्यूरेशन बतानी हो टाइम की ड्यूरिंग दौरान लाइक वी यूज ड्यूरिंग टू से इन कोर्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल ही रेस्टेड ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द डे मीन्स उस दिन के दौरान वो सोया रहा ठीक है ही रेस्टेड उसने रेस्ट की ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग दौरान उस दिन ठीक है उस दिन के दौरान नेक्स्ट इज आफ्टर आफ्टर मीन्स आफ्टर वॉज बाद में ओके सम गेस्ट केम आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर कुछ जो गेस्ट हैं वो कब आए जब पार्टी ओवर हो चुकी थी उसके बाद ठीक है आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर क्लियर ना नेक्स्ट इज बिफोर

अबाउट मीन्स अप्रोक्सीमेटली लगभग ठीक है द लीडर केम एट अबाउट सेवन पी एम जो लीडर है वो लगभग सात बजे आया ठीक है नेक्स्ट इज फॉर फॉर एंड सेंस फॉर एंड सेंस का यूज हम कब करते हैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सेंस फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए ओके हाउ लॉन्ग, जिसका मतलब क्या होता है हाउ लॉन्ग क्लियर पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है वो फॉरवर्ड एंड सेंस पॉइंट ऑफ टाइम को मीन्स जब हमने पूछना हो व्हेन, पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल डेविड वेटेड फॉर टेन मिनट्स कितनी देर के लिए उसने वेट की हाउ लॉन्ग टेन मिनट्स फॉर ओके okay? जब हमने हाउ लॉन्ग करके कुछ बताना है देन वी विल यूज फॉर विद इट ओके यू कैन स्टे हियर फॉर टू डेज आप यहां पे रुक सकते हो फॉर टू डेज हाउ लॉन्ग टू डेज ओके पीरियड ऑफ टाइम क्लियर नेक्स्ट इज सिंस सिंस वी यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम जो हमें बताता है क्लॉक टाइम कह सकते हो आप इसको एग्जैक्ट टाइम क्लियर मंथ भी हो सकता है इसमें लाइक डेविड हैज बीन वेटिंग सिंस सिक्स ओ क्लॉक डेविड कब का वेट कर रहा था सिक्स ओ क्लॉक ठीक है शी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस मार्च वो कब से वेन कब से वो सीख रही है म्यूजिक मार्च से क्लियर वेन वी हैव गिवन प्वाइंट ऑफ टाइम देन वी विल यूज सेंस जब हमें प्वाइंट ऑफ टाइम दिया होगा तब हम सेंस का यूज करेंगे जब हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा मीन्स एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होगा देन वी विल यूज फॉरविद इट क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल थैंक यू स्टूडेंट्स